जय हिंद सभी भाइयों को, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। भाइयों, आज मैं आप लोगों को AMC सेंटर में रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है उसकी जानकारी में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में अपने देने वाला हूं। उससे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन इस सेंटर की भर्ती के लिए 15 सितंबर 2023 को किया है, जिस दिन भर्ती का रजिस्ट्रेशन का पहला दिन था। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसका आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन करने का वो है 15 अक्टूबर 2023। भाइयों, इस डेट को आप याद रखिएगा। अगर आपको इस सेंटर में भर्ती देखने को जाना है AMC सेंटर लखनऊ में, तो इस डेट से पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना कर दीजिएगा, आपको जिस भी ट्रेड में भर्ती देखना है। और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसमें तरीका बताने वाला हूं कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन को किस तरह से करना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन एक ही अटेम्प्ट में सही हो जाए और सेंटर पे पास पहुंच जाए और आपके पास उसका फेल्ड होने का मैसेज ना आए कि आपका रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो गया या फिर कैंसिल हो गया है। आपको पूरा वीडियो सही से ध्यान से देखना है, क्योंकि भाइयों, मैंने इस सेंटर की भर्ती 2022 में भी देखी थी, जो कि 1 नवंबर को मेरी भर्ती के पहले दिन ही मेरी भर्ती थी उस दिन। तो उस टाइम पे भी मैंने सेम इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया था और इस बार भी मैंने सेम इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है। भाइयों, सबसे पहले कुछ जानकारी है जो मैं आपको इस नोटिफिकेशन के ज़रिए बता देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ईमेल आईडी लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है uhq2023@joinamc.com uhq2023@joinamc.com। भाइयों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ईमेल में जाना है और इसको उसमें टाइप कर लेना है, तो आपको इस तरह की वेबसाइट वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपनी 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपको भेजना है। उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपका है, भाइयों देखिए, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अभी बाय चांस किसी के पास नहीं बना है, तो अभी आपको घबराने की या फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सर्टिफिकेट को अभी नहीं भी भेजते हैं तो भी आपके पास मैसेज आएगा सेंटर से, आप भर्ती देख सकते हैं। पर आप जिस दिन भर्ती देखने के लिए जाएंगे उस दिन अपने साथ स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट ज़रूर बना के लेके जाइएगा। और आपको अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जिस सेंटर का हो उसे भेज देना है, और अपना ईमेल आईडी भेजना है और मोबाइल नंबर भेजना है। और आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और मैच होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड भेजना है। और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका ईमेल में सब्जेक्ट होगा, तो उसमें आपको सब्जेक्ट में ये लिखना है कि आप कौन से ट्रेड से भर्ती देखना चाहते हैं। तो भाइयों, जैसा कि अगर आपको GD से भर्ती देखना है तो आप GD लिख देना, नहीं तो अगर आपको NA से देखना है, जैसे मैंने NA से मुझे भर्ती देखना है तो मैंने NA लिख दिया है। और अगर आपको ट्रेडमैन से देखनी हो तो आप ट्रेडमैन लिख देना, नहीं तो आपको अगर म्यूजिशियन से देखना हो या फिर क्लर्क में देखना हो तो वो लिख देना। क्योंकि भाइयों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द ईमेल सब्जेक्ट हेडिंग शुड बी क्लियरली स्टेट फॉर विच कैटेगरी एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड, अ कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई मोर देन 1 कैटेगरी। मतलब इसमें क्या है कि आप एक ट्रेड से ज़्यादा का इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपको इस सेंटर की भर्ती में किसी भी सिर्फ एक ही ट्रेड में आप भर्ती देख सकते हैं, दो ट्रेड में आप रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। और उसके बाद क्या करना है, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो भर्ती से क्या हो सकता है कि 5 या 7 दिन पहले आपके पास वहाँ से या तो मेल आ जाएगा, नहीं तो फिर आपके जो नंबर आपने दिया होगा उसमें एक SMS आ जाएगा कि भाई आपका टोकन नंबर इंडेक्स नंबर ये है और आपको भाई एक दिन आपको इस सेंटर में रिपोर्ट करना है इस जगह पे, और आपको एक दिन यहाँ पे दौड़ने को आना है। बस आप वहाँ से आपके पास यही मैसेज आएगा। और अगर आपके पास मान लीजिए कोई मैसेज नहीं भी आता है, तो आप क्या करना, जो भर्ती का पहले दिन है, यानी कि भर्ती आपकी होनी है 21 तारीख को, 22 को होनी है, 23 को होनी है, ठीक है,
ये मैं 3 दिन बता रहा हूँ जो भाई एनए का करेंगे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एनए की भर्ती जो है सिर्फ 3 दिन चलनी है, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख। तो जिन भाइयों के पास अगर ईमेल नहीं आता है तो वो एनए वाले बंदे 21 तारीख को भर्ती के पहले दिन यहाँ आप पहुँच जाइएगा, जो आपने ईमेल किया था उसी को आप प्रिंट आउट करवा के यहाँ पहुँच जाइएगा। और जिन भाइयों के पास ईमेल या एसएमएस आ जाता है वो उसको प्रिंट आउट करवा के अपने जिस दिन आपको वहाँ बुलाया गया है उस दिन उसको ले कर वहाँ प्रिंट आउट पहुँच जाइएगा भर्ती देखने को। और अगर आपके पास और भी ट्रेडों का जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया हो तो उसमें आपके पास ईमेल या एसएमएस नहीं आता है तो भी आप उस दिन पहुंच जाइएगा जिस दिन आपकी भर्ती है अपने डेट के हिसाब से देखकर। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सेंटर रजिस्ट्रेशन कैसे किया है और आपको भी अगर भर्ती देखना है तो आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसा कि भाई मैंने आपको बताया था कि उसमें ईमेल में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जो आपका सब्जेक्ट होगा ईमेल में उसमें आपको अपना ट्रेड फिल करना है। तो मैंने अपना ट्रेड लिखा है एनए नर्सिंग असिस्टेंट, और जो वहाँ पे टू लिखा होगा तो टू में आपको वो ईमेल आईडी को डाल देनी है जो है, ये आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी यहाँ पे टू लिखा हुआ आएगा जब आप ईमेल करोगे तो uhq2023@joinmc.com। और जैसे कि ये मेरी ईमेल आईडी है तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि मैंने ईमेल किया है, तो मैंने इस आईडी से ईमेल किया है तो ये मेरी आईडी है, ऐसा होता है। और उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, उसके बाद फादर नेम लिख देना है, और हाँ ये लिख देना है कि आपके पास किसका रिलेशन है। जैसे मेरे पास फादर का रिलेशन है तो मैंने इसमें लिख दिया फादर रिलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास भाई का रिलेशन है तो आप इसमें लिख दीजिएगा ब्रदर रिलेशन सर्टिफिकेट। और आप और आपका सेंटर का रिलेशन कौन से सेंटर का आपका रिलेशन है तो आप इसमें लिख दीजिएगा। जैसे मेरा 3ME सेंटर का रिलेशन है तो मैंने इसमें लिख दिया 3ME सेंटर भोपाल। उसके बाद जैसे मेरे को किस ट्रेड से भर्ती देखनी है तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ट्रेड एनए नर्सिंग असिस्टेंट, और मैंने यहाँ पे भी लिखा है जो इसका सब्जेक्ट है जब ईमेल करते हैं जब भी, हाँ मैंने लिख दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से अपनी दोबारा से ईमेल आईडी लिख देनी है कि भाई ये आपकी ईमेल आईडी है, और यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर काम कर रहा है वो फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है। आपको ध्यान देना है कि आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड में हो। और अब बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे भेजने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटो खींच लेना है, फ्रंट साइड का फ़ोटो खींच लेना है, क्लियर फ़ोटो खींचना, और बैक साइड का क्लियर फ़ोटो खींचना। उसके बाद अपनी 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटो खींच लेना। उसके बाद स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अगर है अभी तो उसकी फ़ोटो खींच के भेज देना, अगर नहीं है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अपने रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींच देना और 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटो खींच देना। यही 4 या 5 डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद उस फ़ोटो खींचने के बाद उसको ईमेल में इतना सब टाइप करने के बाद, इतनी डिटेल टाइप करने के बाद उसको नीचे उसको अटैच फाइल में जाके उसको अटैच कर देना डॉक्यूमेंट को, और फिर से एक बार अपने ईमेल को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेक कर लेना कि भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई ईमेल लिखने में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह छूट गया हो। फिर उसको फाइनली उनको सेंड कर देना, और सेंड करने के बाद क्या करना, एक स्क्रीनशॉट खींच लेना अपने फ़ोन में, और उस स्क्रीनशॉट को अपने पास सेव करके रखना कहीं पर जब तक आपके पास वहाँ से ईमेल का रिप्लाई ना आ जाए, नहीं तो फिर उसी स्क्रीनशॉट को या प्रिंट आउट करा के भर्ती देखने को चले जाना भर्ती के पहले दिन। अगर भाइयों किसी भी भाई को कोई भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो या फिर डाउट हो कि उसमें उनसे किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद सी भाइयों को।